मैं आज गुजर रहा था जफरवाल बाईपास नारोवाल से, ये यहाँ पे लिपड़ अभी आया था, तो यहाँ पे मैंने देखा कि स्कूल के बच्चे जो है ना वो पौधे लगा रहे हैं। ये पौधे अभी इन्होंने अभी नए नए लगाए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इन लोगों का इंटरव्यू लूँ, ये कौन लोग हैं और इनके अंदर क्या जज्बा है, ये पौधे क्यों लगाना चाह रहे हैं और लोगों के लिए जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर आपका नाम? अली मुल्ला। सर आप कहाँ से हैं? हम फखर अकेडमी ऑफ साइंसेज नारोवाल से बिलोंग करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपने ये क्या सोच के ये बहुत अच्छा काम शुरू किया है? चूँकि अब खजान के बाद बाहर का मौसम आ रहा है और दरख्त जो है वो अपने फुल जोबन पे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अपने शहर नारोवाल को जो पहले खूबसूरत है उसको मज़ीद खूबसूरत बनाएं और इस शहर को हरा भरा करें। उस सिलसिले में हमने शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। आज हमारा पहला दिन है, हम ये मेन जो अड्डा है वहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पे पौधे लगा रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ महीनों के बाद इसका रिजल्ट आएगा, हमारा शहर मज़ीद हरा भरा होगा। बहुत अच्छी बात है, मुझे आप लोगों पे फख्र है कि आप जैसे यंग जनरेशन जो है ना वो इस चीज़ को भी जो है वो देख रही है और इसके बारे में सोच रही है। लव यू ऑल बॉयज, कीप इट अप। कितने पौधे लगाए हैं आपने अभी तक? हम अभी तक 10 से 15 पौधे लगा चुके हैं और हमारा टारगेट बहुत ज़्यादा है इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा, ओके, बहुत खुशी है आप लोगों से मिलके। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।